टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। बाजारों में टमाटर कम ही देखने को मिल रहा है और जहां मिल भी रहा है तो भाव बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। पिछले दिनों तो कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर टमाटर की चोरी तक हो गई। लेकिन आज एक ऐसा अजीबोगरीब मामला मैं आपको बताने वाली हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक दुकान में टमाटर रखे थे, दुकान के बाहर बाउंसर खड़े हैं, टमाटर को छूना भी अलाउड नहीं है, टमाटर खरीदेंगे तो ही आप उसे ले जा पाएंगे। जी हाँ, टमाटर के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वाराणसी में एक दुकान के बाहर दुकानदार ने बाउंसर लगा दिए हैं, वो भी इसलिए ताकि टमाटर की सुरक्षा हो सके और जो उन्हें खरीदेगा वही उनको छू सकता है। पूरा मामला क्या है चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दरअसल पिछले काफी दिनों से सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खासकर इस मौसम में ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस बार टमाटर के दाम कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्रोल्स भी देखने को मिल रहे हैं। लोग तंज भी कस रहे हैं कि आखिर ये महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ेगी और जनता की जेब पर कितना ज्यादा असर डालेगी। लेकिन इस बीच वाराणसी के एक दुकानदार ने एक बढ़िया तरकीब निकाली, भाई टमाटर कोई लूट ना पाए, कोई छू ना पाए और टमाटर के जो भाव जो दाम है उसी में जनता उसे खरीद पाए, इसीलिए दुकानदार ने दुकान के बाहर बाउंसर लगा दिए हैं, कोई टमाटर को हाथ भी नहीं लगा सकता। दुकान के सामने बाउंसर खड़े होकर लोगों को टमाटर छूने से रोक रहे हैं और उसकी लूट ना हो जाए इसीलिए उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से टमाटर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई, केवल टमाटर ही नहीं हरी मिर्च और अन्य सब्जियों के दाम में भी इजाफा हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी एक वीडियो में ये देखा गया कि यूपी के वाराणसी में एक दुकान के बाहर दो बाउंसर्स को लगाया गया है, दुकान के दोनों साइड बाउंसर खड़े हैं और टमाटर की सुरक्षा कर रहे हैं। इस बीच एक शख्स को दुकान में आते हुए देखा गया जो टमाटर को छूना चाहता है, ऐसे में वहां खड़े दोनों बाउंसर्स में से एक बाउंसर शख्स को टमाटर छूने से रोक देता है और वो शख्स रुक भी जाता है। इस घटना को वहां मौजूद अन्य लोग भी देख रहे हैं और बाउंसर वाले दुकान के सामने लोगों की काफी भीड़ भी लगी है। दरअसल यूपी के वाराणसी की ये घटना है जहां पर अजय फौजी नामक एक सब्जी विक्रेता ने अपने दुकान में दो बाउंसर लगाए। टमाटर की कीमतें 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने के चलते हिंसा और टमाटर की चोरी की घटनाओं से चिंतित फौजी ने अपनी दुकान पर सुरक्षा करने और अपनी दुकान पर किसी भी तरह के झगड़े को रोकने के लिए दो बाउंसर्स को काम पर लगा दिया है। बाउंसर्स को रखने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि फौजी की दुकान पर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और ग्राहकों के साथ किसी किस्म की टमाटर को लेकर खासकर कोई बहस ना हो। पीटीआई से बात करते हुए फौजी ने बताया कि मैंने बाउंसर्स को काम पर रखा है क्योंकि टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, लोग हिंसा कर रहे हैं और यहाँ तक कि टमाटर लूट रहे हैं। फौजी ने कहा, चूंकि हमारे पास दुकान में टमाटर है, हम कोई बहस नहीं चाहते, इसलिए हमने यहाँ बाउंसर लगा दिए हैं। टमाटर 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, लोग 50 या 100 ग्राम खरीद रहे हैं। हालांकि अजीबोगरीब टमाटर को लेकर पहला मामला नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जहां पर टमाटर बिक रहे हैं वहां हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।